Assalamu alaikum and welcome back to soundofthiswild.com. Here is HM Fareed. आखिरकार students के एहतजाजात और उनकी दुआएं रंग ले आईं तो एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है कि ये जो नेशनल MDCAT होने वाला था 15 तारीख को, ये जो एंट्री टेस्ट होना था मेडिकल का, वो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल MDCAT के हवाले से स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भी कर रखी थी, सैम्पल पेपर्स और सिलेबस भी दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते थे। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट की गई। स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि जब उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट दे दिया है तो उनके ऊपर ये दूसरा टेस्ट क्यों मुसल्लत किया जा रहा है PMC की तरफ से। काफ़ी सारे एहतजाजात, काफ़ी सारे एतराज़ात थे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो आखिरकार सूरत हाल देख कर सिंध हाई कोर्ट ने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि PMC को चाहिए फिर से दोबारा से एक नया सिस्टम बनाए और एक तरीके के साथ नेशनल MDCAT लें और फिर से एक प्रॉपर सिलेबस स्टूडेंट्स को दिया जाए, स्टूडेंट्स के जितने भी एतराज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए और PMC को चाहिए कि फिर से एक नया सिस्टम नेशनल MDCAT के हवाले से ऑर्गेनाइज़ करें या रीऑर्गेनाइज़ करें। क्या कहा हाई कोर्ट ने, आप भी देख लीजिए कि द MDCAT हैज़ बीन पोस्टपोन्ड बाय ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट। द रीशेड्यूल्ड MDCAT एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर अ कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके साथ साथ ये भी PMC ने हमें बताया है कि वो सब स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखी थी तो क्या उनके रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दी गई है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवा रखी थी, फ़ीस भी पे कर रखी है, उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेशनल MDCAT जब भी लिया जाएगा वो उसी एक ही रजिस्ट्रेशन पर अपना MDCAT अटेंड करेंगे। क्या कहा गया आप भी देख लीजिए कि ऑल स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड फॉर MDCAT बाय 6 नवंबर शैल बी अलाउड टू सिट इन द MDCAT with their existing registration। जी हाँ, जो रजिस्ट्रेशन उन्हें कर रखी है उसी रजिस्ट्रेशन पे वो अपना पेपर अटेंड करेंगे, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। एंड एडमिट कार्ड और रोल नंबर, वही एडमिट कार्ड और रोल नंबर स्लिप इस्तेमाल करके वो अपना MDCAT अटेंड करेंगे। फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, कोई कन्फर्म्ड डेट नहीं बनाई गई। अब इंतजार करते हैं कि PMC कौन से नए रूल्स और किस तरह का सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है या रीअरेंज करता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम फौरन आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।